नमस्कार मित्रों, इंडिया के स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी रोटी बिना तंदूर के तवे पे, वो भी बिना मैदे के। अब देख सकते हैं कितनी लाजवाब, बिल्कुल ढाबे जैसी या रेस्टोरेंट जैसी तंदूरी रोटी बनके तैयार हुई है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तंदूरी रोटी बनाने के लिए इसमें मैंने लिया है 3/4 कप गेहूं का आटा, नमक स्वादानुसार, 1 चुटकी खाने वाला सोडा, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच घी और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। फिर मैं दही के उपयोग से इसका आटा लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे टोटली 5 बड़े चम्मच दही का उपयोग किया है। तो पहले मैं 4 चम्मच ही डालूंगी और मैं इसे मिला के देखेंगे कि जो दही है इतना मात्रा पर्याप्त है कि नहीं। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच और डालूंगी, तो इसलिए मैंने कहा था 5 बड़ा चम्मच, पर फिर भी जो दही है वो आटे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 3/4 बड़ा चम्मच पानी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो मित्र, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो दही है हमें फ्रेश दही का उपयोग करना है। आटा बहुत बढ़िया तरीके से लग चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच घी और हम घी को अच्छे से मथ लेंगे। आप चाहे तो बीच में एक बार हाथ को धो लीजिए क्योंकि बहुत स्टिकी होता है आटा। और जो मैं इसका आटा है वो मीडियम लगाना है, ना ही ढीला लगाना है ना ही सख्त लगाना है। आटा लग चुका है, गीले कपड़े से ढक के सेट होने के लगा देंगे 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे बाद में हम देखेंगे आटा बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच तेल और मैं इसे अच्छे से मथेंगे 30 सेकंड के लिए। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे पंच करते हुए आटा को मल रही हूँ। अब इसके हम लोए बनाएंगे। तो पहले मैं 3 लोए बनाऊंगी, पर मुझे थोड़े से छोटे लग रहे हैं तो मैं इसके 2 लोए कर दूंगी, क्योंकि इसका जो लोए हैं हमें बड़े रखने हैं, रोटी जितने छोटे नहीं करने हैं। अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलने से पहले मैं इसे फिर से 15 से 20 सेकंड के लिए हथेली के बीच में रखे मलूंगी और वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा सूखा आटा बुरक के हम इसे बेलेंगे। मित्रों, को एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें जब पराठे की थिकनेस होती है उतना बेलना है, रोटी जितना पतला नहीं करना है। आप थिकनेस देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी 2 छोटा चम्मच पानी, जिसे हम उंगलियों के उपयोग से फैला देंगे। और जब तक मैं कर रही थी मैंने तवे को भी गर्म होने के लगा दिया था। तो तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए, जिस साइड पे हमने पानी लगाया था उसी साइड पे हमें तवे पे चिपका देना है और हल्के से कपड़े से मैं दबा दूंगी चारों तरीके से। अंदाजे से 30 सेकंड से 45 सेकंड के अंदर ही अंदर रोटी जो है कैसे फूट चुकी है। तो जैसे आपको बबल्स दिख रहे हैं, हमें बस तवे को पलट के रोटी को सेकना है। मित्रों, को एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो है नॉनस्टिक तवे का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो चिपकेगा ही नहीं, तुरंत निकल जाएगा, उसे सेक ही नहीं पाएंगे। मैंने इसे पलट पलट के कैसे सेक लिया है और तैयार है लाजवाब तंदूरी रोटी। मैं आपको इसे पलट के बताती हूँ कितनी बढ़िया सिकाई हुई है। तो दूसरी साइड से आपको इसे सेकने की आवश्यकता नहीं है, है ना? वाओ, बिल्कुल ढाबे जैसा या रेस्टोरेंट जैसे तंदूरी रोटी, वो भी बिना तंदूर के। अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी मक्खन। ये जो है मैंने अमूल का मक्खन यूज किया, चाहे तो सफेद मक्खन का भी उपयोग कर सकते हैं और जितना मक्खन आपको पसंद है उतना लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसे काट के बताती हूँ कितनी लाजवाब बढ़िया तंदूरी रोटी बनके तैयार हुई है। आप खा तो नहीं सकते पर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितनी लाजवाब रोटी बनके तैयार हुई है। तो ये एक रोटी और यह है दूसरी रोटी। दूसरी रोटी मैं आपको बताती हूँ कितनी बढ़िया तरीके से सिकी है। और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी देसी घी। तो जो आपको घी पसंद है, मक्खन पसंद है, वो आप लगा सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। एक और चीज है कि जैसे जैसे आप रोटी सेकते जाएंगे, तवा जितना गर्म होगा रोटी सीखने का प्रोसेस उतना फास्ट होते जाएगा। जो फर्स्ट रोटी है मुझे इसे सीखने में 2 मिनट लगे हैं, ये रोटी को सेकने में मुझे सिर्फ 1.5 मिनट लगा है। तो इस हिसाब से वेरी करेगा टाइम। तो दूसरी रोटी भी बनके तैयार है और हम इसे सर्विंग ट्रे में सर्व कर लेते हैं, है ना लाजवाब रोटी। आई एम श्योर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। एक गस्सा मैं आपको तोड़ के बताती हूँ रोटी का। तो आप भी तंदूरी रोटी को अपनी मनपसंद की सब्जी के साथ परोसिए, खाइए, खिलाइए और मुझे जरूर बताइए आपको कैसी लगी ये रोटी। ये अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।